SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए संशोधन के विरोध में SC/ST के विभिन्न समाजों द्वारा भारत बंद के ऐलान के बाद चारों तरफ आगजनी, लाठीचार्ज सहित थानों को आग के हवाले भी किया गया। राजस्थान के अलवर में हो रहे उग्र प्रदर्शन में पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। वहीं बेकाबू भीड़ ने अलवर के अन्य भी थाने को आग के हवाले कर दिया, जिसमें वहां खड़े वाहन जलकर राख हो गए। अलग अलग टोलियों में निकले बंद समर्थकों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा किया। इस दौरान इलाहाबाद जयपुर ट्रेन को कई घंटों तक रोके रखा और प्रदर्शनकारियों ने रेल इंजन पर चढ़कर नारेबाजी की, और इतना ही नहीं रेल पटरियों को उखाड़ कर पटक दिया गया। चारों तरफ आगजनी, कहीं पत्थरबाजी, कहीं गोलियां चलने की सूचना, कहीं रेल रोककर प्रदर्शन, चारों तरफ एक अराजकता जैसा माहौल बना दिया गया। SC/ST समाज से जुड़े एक्ट में संशोधन के विरोध पर भारत बंद के ऐलान के बाद यूं तो राजस्थान में अनेकों जगह प्रदर्शन हुए, लेकिन अलवर में जिस तरह प्रदर्शनकारियों ने थाने को आग के हवाले किया और अंदर से किस तरह SHO सिर्फ हवाई फायर कर उन्हें खदेड़ने का प्रयास करते रहे, ऐसी घटनाएं जिले में अनेकों जगहों पर सामने आई, जिसमें खैरतल थाने पर भी वाहन चलाए गए। वहीं पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए फायरिंग भी की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक पवन की उम्र 28 साल है। वह पूर्व सरपंच जल्ला राम का पुत्र है, जो खैरतल के झाड़ोली का निवासी है। वहीं 30 वर्षीय शेर सिंह सौरखा निवासी को दाएं हाथ में गोली लगी है, उसे अस्पताल पहुंचाया गया और मृतक का शव अलवर सामान्य चिकित्सालय लाया गया था। वहीं मृतक के परिवार में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना सा भी आज का SC/ST का वो था, बंद का आह्वान शांतिपूर्ण मतदान को चल रहा था बंद। तो हम तो इधर खैरतलोली साइड में थे, मैं, मेरी पत्नी और बेटा था उधर, था खैरतल साइड में, गांव खैरतल की साइड में। तो वहाँ पुलिस ने गोली चलाई, अब मैंने तो वहाँ मौजूद नहीं था। हमको तो सूचना फोन पर ही, मैंने फोन किया, फोन बंद आ रहा था, फिर किसी ने सूचना देगी पवन के सिर में गोली लगी। हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ से एम्बुलेंस में लेकर निकल रहे थे, हम एम्बुलेंस में लेकर आया, यहाँ हॉस्पिटल भर्ती करवाया। वहीं अलवर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने सभी से अपील की है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन अराजकता ना फैलाएं, किसी सरकारी संपत्ति को भी क्षति ना पहुंचाएं। प्रशासन की तरफ से ये अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि शांति बनाए रखने में अपना पूर्ण सहयोग दें, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं, क्योंकि संपत्ति हम सबकी है। साथ ही साथ हिंसात्मक प्रदर्शन जो है उससे कोई मसले हल नहीं होते हैं। अपनी बात कहने का हक सबको है, अपनी बात रखें, शांतिपूर्ण ढंग से रखें, और जो आपकी बात है वो संबंधित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाई जाएगी। और सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी फील्ड में हैं और उनका सहयोग करें और शांतिपूर्ण अपना जो भी आंदोलन है, प्रदर्शन है, वो करें। किसी भी सूरत में हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की जो प्रवृत्ति है उससे बचें, और जिला प्रशासन को शांति बनाए रखने में हर आदमी अपना अपना सहयोग प्रदान करे। वहीं NAB थाना अंतर्गत 60 फुट रोड पर प्रदर्शनकारियों द्वारा दुकान बंद करने पर विवाद हुआ। वो विवाद इतना बड़ा कि दुकान मालिक से न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि उसकी स्कॉर्पियो को भी आग के हवाले कर दिया गया। यहां पहुंची पुलिस को भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा और पुलिसकर्मी को जमकर पीटा। बमुश्किल पुलिसकर्मी जान बचाकर भागा। वहीं पुलिस वाहन को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया।
इसी तरह दाऊदपुर फाटक के पास प्रदर्शनकारियों ने इलाहाबाद जयपुर ट्रेन को रोक दिया और इंजन पर चढ़कर जय भीम के नारे लगाए। यहां रेल की पटरियां भी उखाड़ दी गई। 2 घंटे से खड़ी इस ट्रेन में बैठी कुछ महिला सवारियों ने इस तरह के प्रदर्शन को गलत बताया और अपनी परेशानियों से आक्रोश व्यक्त किया। परेशानी तो आ ही रही है। कितने समय से आप लोग यहाँ? हम सब 1 घंटा हो गया हमें यहाँ, 1 घंटे से स्टॉप है ट्रेन। इस तरीके के जो आंदोलन हो रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो आंदोलन हो रहे हैं तो पब्लिक को परेशान क्यों कर रहे हैं जी? सरकार से डायरेक्ट बात करें ना, नीचे देर बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोक के क्यों परेशान कर रहे हो पब्लिक? 2 घंटे हो गए। क्या परेशानी है, क्या लगता है? पानी की व्यवस्था ही नहीं है। पानी वहाँ से लेके आए जाके नीचे उतर के जी। पानी से प्यासे मर रहे हैं, भूख भी लग रही है। अभी क्या लग रहा है यहाँ पर माहौल आपको? क्या डर लग रहा है और क्या लग रहा है? तो कहीं लग नहीं जाए, पत्थर फेंक रहे हैं जी। तो अभी जो उनकी मांगे हैं, उन्होंने रास्ता जाम कर रखा है, क्या आपको लगता है ठीक है? ये गलत है, वैसे करो ना आप, करना है तो जी। भाई पैसेंजरों से क्या करोगे?